जगना होगा और इस देश को जगाने का सर्वोत्तम माध्यम वेद ही है। ये ऊर्जा केवल मैंने पाई ऐसे नहीं, इस देश के पुनरुत्थान का अग्रदूत जी ने, मैं मानता हूं उन स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही ऊर्जा उनसे प्राप्त की। आप लोगों को पता होना चाहिए स्वामी विवेकानंद जी का यह 150वां शताब्दी जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। स्वामी जी के जीवन के अंतिम दिन, स्वामी जी के जीवन के अंतिम दिन समाधि से पूर्व दिन भर उन्होंने जो काम किए उसमें एक घंटा उन्होंने स्वयं अपने साथी सन्यासियों को यह बात बतलाने में व्यतीत किया कि हम लोगों को अब वैदिक विद्यालय आरंभ करने पड़ेंगे। हमने वेदांत पढ़ा लेकिन जब तक वेदों का ज्ञान जागृत नहीं होगा तब तक इस देश की अंधश्रद्धा समाप्त नहीं होगी, और इस देश की अंधश्रद्धा समाप्त नहीं होगी तो यह देश जगेगा नहीं। मेरा परम विश्वास है कि स्वामी विवेकानंद को भी यह प्रेरणा महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज के कार्य से प्राप्त हुई और इसीलिए उनका ध्यान वेदों की ओर गया। काम किसने किया, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात मैं ये मानता हूं कि